हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 20 वीडियो ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास 8 लेसन 2 एमएस एक्सेस। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट। इन दिस वीडियो वी क्रिएट अ डेटाबेस बेस्ड ऑन टेम्पलेट डेटा फाउंड ऑनलाइन। Then you must have an internet connection with your PC or laptop। ये जो हम डेटाबेस बनाएंगे वो ऑनलाइन जो है टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके बनाएंगे। तो इसका स्टेप देखते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स फॉल इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज: बिजनेसेस, एजुकेशन, पर्सनल एंड नॉन प्रॉफिट। टू क्रिएट अ डेटाबेस बेस्ड ऑन द दिस टेम्पलेट्स। अब इसमें क्या है कि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से हो, या पर्सनल से हो, या नॉन प्रॉफिट से है, ये जो है हम ऑनलाइन जो भी दिए रहते हैं उसमें से हम डाउनलोड करते हैं। स्टेप्स क्या होंगे? स्टार्ट एक्सेस, गेटिंग स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, स्क्रीन अपीयर। तो हाउ यू कैन ओपन योर एक्सेस, यू नो ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो। तो एमएस एक्सेस को ओपन कर लेंगे। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हमारा इंटरनेट से कनेक्शन हुआ होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है, क्लिक द कैटेगरी फॉर द टेम्पलेट यू वॉन्ट टू क्रिएट। अब जो है कैटेगरी को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह का आप जो क्रिएट करना चाहते हैं। आइकन रिप्रेजेंटिंग इंटरनेट टेम्पलेट्स अपीयर इन द सेंटर ऑफ द विंडोज। सेकेंड थर्ड क्या है स्टेप, क्लिक द आइकन फॉर द टेम्पलेट यू वॉन्ट टू यूज टू क्रिएट योर डेटाबेस। आपको जो है जो भी आइकन्स दिए रहेंगे उनमें से आपको आइकन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके लिए आप डेटाबेस के लिए जो है कौन से डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कैसे है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, अपना ओपन एमएस एक्सेस को ओपन किया। सेकेंड स्टेप में क्या है, आप देख रहे हैं एजुकेशनल, बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं, जिसमें मतलब एजुकेशनल है कि आपका जो है बिजनेस से रिलेटेड है, या पर्सनल है, या सिंपल है, या नॉन प्रॉफिट है, बहुत सारे हैं। आप किस तरह का डेटाबेस जो है टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन पर हमने क्लिक किया। थर्ड में हमने क्या किया, आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिए हैं, क्लिक द आइकन फॉर द टेम्पलेट यू वॉन्ट टू यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस। आप किस तरह का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं उसमें से जो यहाँ पर आइकन दिए हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ में आपका क्या है, इन अ फोर्थ स्टेप, क्लिक द ब्राउजर बटन। यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउजर बटन पर हमको क्लिक करना है एंड लोकेट द फोल्डर दैट इन विच यू वांट टू स्टोर योर डेटाबेस। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप जो है फोल्डर को जो आप टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं वो कहाँ पर जो है स्टोर करना चाहते हैं, किस ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं। आप यहाँ से हम ब्राउज करके जाएंगे, ठीक है, उस ड्राइव का नाम बताएंगे, डेस्कटॉप पर है कि किस ड्राइव में है, सी में है कि डी में है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा क्लिक डाउनलोड। आप जब इसको कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर छठवां जो स्टेप है आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप 7 इज एक्सेस डाउनलोड एंड ओपन योर डेटाबेस। वो डाउनलोड हो जाता है और वो क्या होता है, डेटाबेस ओपन होता है, ठीक है। एंड 8 स्टेप है कि ओपन द नेविगेशन पेन, यानी ये जो लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन है, ओपन द नेविगेशन पेन, एक्सेस डिस्प्ले द टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू योर डेटाबेस। तो आप जो डेटाबेस आप जब डाउनलोड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका एक्सेस जो आपका डेटाबेस ओपन हो जाता है, लेफ्ट पेन में आपको दिखाएगा कि आपने अगर स्टूडेंट लिया है या एजुकेशन से रिलेटेड लिया है तो उससे रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म हैं, रिपोर्ट्स हैं, सभी चीज़ें उसमें हमें दिखाई देगी। नाउ व्यूअर्स, वी आर ऑन माई सिस्टम, यू कैन सी ऑलरेडी आई एम ओपन माई एम एस एक्सेस। यार ब्लैंक डेटाबेस देर आर सो मैनी, बट हियर यू कैन सी द सेंटर ऑफ द विंडो, सर्च office.com फॉर टेम्पलेट्स।
type you want to, which types of data database create. Suppose I want educational, just like write education, ठीक है, एंड जस्ट क्लिक हियर. तो जैसे ही हमने एजुकेशन सेलेक्ट किया और सर्च किया तो आपको देखेंगे यहाँ पर टेम्पलेट्स कुछ दिखाई दे, आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स का दिख रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एड्रेस बुक है, फॉल्ट है, ये जो भी है, फैकल्टी है, तो ये सब दिख रहा है इसमें. और यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है आ गया है, जिसका साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है. और इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ब्राउज़र बटन दिया है स्टेप, जहाँ यहाँ पर क्लिक करके हमें ये जो है बताना है कि अब जो डाउनलोड करेंगे किस ड्राइव में रखना चाह रहे हैं. देखिए जैसे हमने क्लिक किया वो ओपन कर दिया है न्यू डेटाबेस के लिए जगह, कि आप किस ड्राइव में रखना चाहते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जब क्रिएट पर डेटाबेस पर क्रिएट क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड हो जाएगा डेटाबेस ऑनलाइन, जहाँ पर भी हमने लोकेशन दिया है. ओके, थैंक यू.